मुंबई के पास नालासोपारा पुलिस ने एटीएम तोड़कर भाग रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये शातिर लुटेरा एटीएम तोड़ने के बाद भागने की कोशिश में था। पुलिस ने उसके पास से हथौड़ी, लोहे की रॉड समेत दूसरे औजार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी विकास दीपक सेन शिरडी नगर का रहने वाला है। एटीएम में लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। पहचान छिपाने के लिए वारदात को अंजाम देते वक्त चोर ने अपने सिर पर प्लास्टिक की काली थैली पहन रखी थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इस चोर को एटीएम की पूरी जानकारी हो और यह अपने साथ इसे खोलने का पूरा सामान भी लेकर आया था। हालांकि काफ़ी कोशिश के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और एटीएम को उसी हालत में छोड़कर निकल गया, मगर उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया और वो नाइट गश्त में घूम रही पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गया। आठ तारीख को 3 बजे के करीबन एक डॉन लेन एरिया में एक्सिस बैंक का एटीएम है, वो एटीएम एक अज्ञात आरोपी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वही टाइम पुलिस वहाँ से पेट्रोलिंग करते टाइम उन्होंने देखा तो उसको पकड़कर उसका नाम पूछा तो विकास दीपक सेन ऐसा उसका नाम है।